सात दिन ही हो गया आपको साहब, मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि हम शिरडी में नहीं किसी और गांव में है। उनके सारे कारोबार से हम हिंदू अपना कोई भी सरोकार नहीं रखेंगे। तो तय रहा, वो लोग अपने खेतों में काम करेंगे और हम अपने। अभी तो सिर्फ चिंगारी भड़की है नंदलाल, तो तुम्हारा ये हाल है। जब शोले भड़केंगे तब कहां भागोगे? बहुत जल्द वो समय आएगा जब शिरडी का चप्पा चप्पा धू धू करके चलेगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता है, आप उसे उदी देंगे तो वो स्वस्थ हो जाएगा। वैसे तुम्हारा बेटा जो अक्सर बीमार रहता है, करता क्या है वो? कुछ नहीं, वो दिन भर घर में ही रहता है। हम उसे इस डर से बाहर नहीं जाने देते कि कहीं वो गंदगी में ना खेले कूदे, धूल मिट्टी से दूर रहे, कहीं उसे चोट ना लग जाए। हम उसका घर पे पूरा ख्याल रखते हैं, फिर भी वो बीमार रहता है। ये लो, अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने दो, खेलने कूदने दो, उसे दौड़ने भागने दो। खेलने से बच्चों का सिर्फ शारीरिक ही नहीं, उनका मानसिक विकास भी होता है, और अगर खेलते समय थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए तो वो भी उसे मजबूत ही बनाएगी। वो सब तो ठीक है साईं, लेकिन शिरडी में सभी जात पात के बच्चे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि गरीब बच्चे ज्यादा साफ सफाई नहीं रखते, बस इसीलिए हम अपने चारों ओर इस प्रकृति को देखो, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, यहां तक कि हम इंसान भी इस प्रकृति से ही पोषित होते हैं। इस धरती, जल, वायु, रोशनी, सूर्य, इन्हीं की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और तुम अपने बेटे को घर के अंदर रखकर इस प्रकृति से दूर कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर अपने बच्चे को इतना सुरक्षित रखते हो तो उसे पौष्टिक आहार ही देते होगे। कम से कम जिन बच्चों को तुम गंदा कहते हो, गरीब कहते हो, उनसे तो बेहतर ही खाना देते होगे। अब सोचो, जिन बच्चों को तुम गरीब या गंदा समझते हो, उनके साथ अगर तुम्हारे बेटे को दौड़ने के लिए कहा जाए तो क्या लगता है तुम्हें, कौन जीतेगा? वो गरीब का बच्चा ही, क्योंकि मेरा बच्चा तो उनकी तरह कभी दौड़ा ही नहीं। तुम अपने बेटे को पौष्टिक आहार तो दे रहे हो, लेकिन उस आहार से मिलने वाली ऊर्जा को जलाने के लिए अवसर नहीं दे रहे हो उसे। उसे बाहर निकलने दो घर से, खेलने दो, हर तरीके का खेल खेलने दो, सबके साथ खेलने दो। हो सकता है कि वो खेल कर थक जाए, उसे उसे छोटी मोटी चोट लग जाए, पर देखना वो बीमार कम पड़ेगा। तुम्हारे बेटे को इस ऊदी की नहीं, तुम्हारे खुले मन की जरूरत है। शुक्रिया साईं, मेरी आंखें खोलने के लिए और मेरी गलती को मुझे समझाने के लिए। अब से मैं अपने बच्चे को बाहर जाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं चलता हूँ। राम जी भला करें। क्या हुआ बच्चों,
आज तुम्हारा खेल बहुत जल्दी खत्म हो गया। साई, जैसे आप सबको ठीक करते हैं वैसे इस गेम को ठीक नहीं कर सकते। इस संसार में हर चीज की अपनी एक आयु होती है और इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। साई, क्या गेंद की भी उम्र होती है? इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसकी अपनी एक आयु होती है। यहाँ आयु का अर्थ उसकी उपयोगिता से है। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद हर वस्तु काम करना बंद कर देती है और उस स्थिति में उसका परित्याग कर देना ही बेहतर है। साई, तब तो अब हम सब नहीं खेल पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो गेंद ही नहीं है और प्रतियोगिता की वजह से हमारे पिताजी खेती में ही लगे रहते हैं। किसी के पास समय ही नहीं है हमारे लिए नई गेंद लाने का। मेरे होते मेरे बच्चे खेल ना पाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम नई गेंद बनाएंगे। कैसे? अपने घर से या आस पड़ोस से जो भी फटे पुराने कपड़े मिले जो कि उपयोग में ना हो उन्हें ले आओ, हम उनसे अपनी नई गेंद बनाएंगे। हाँ साई, हम अभी लेकर आते हैं, चलो। मुझे तो तुम्हारी सोच पर तरस आता है। इतना कुछ हो गया है हमारे साथ, क्या ये काफी नहीं है? उन हिंदुओं ने हमारे साथ काम करने से इनकार कर दिया और तुमने उन्हीं को अपने घर बुला लिया। भाईजान, आप अपने झगड़े में हम औरतों को शामिल ना करें। आप किसानों का झगड़ा अपनी जगह है और मेरा काम अपनी जगह है। भामा और सुलभा यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि वो दोनों कढ़ाई का काम करती हैं। और अगर हम वहाँ नहीं गए तो कमाएंगे कैसे और खाएंगे क्या? अगर कंबल बेचना है तो मुसलमानों को बेचो, मुसलमानों के इलाके में बेचो, मुसलमानों के बीच में रह के बेचो, वरना अपना रोजगार बदलो। आइंदा तुम लोग हिंदुओं के इलाके में नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बात खत्म। हिंदू इलाका, मुसलमान इलाका, भाईजान आप शिरडी का बंटवारा क्यों कर रहे हैं? देखिए, सेठ गंगाराम जी ने मुझे बहुत बड़ा काम दिया है तो मुझे कंबल पहुंचाने उनके यहाँ जाना ही होगा। क्या तुम्हें ये बात महसूस नहीं होती कि वो तुम्हें वहाँ नहीं देखना चाहते हैं? अगर उन लोगों को हमसे परेशानी होती तो हमें इतना बड़ा काम नहीं देते। सलीम, क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारे काबू में है? और अगर है तो जरा समझाओ इन्हें। हमने पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत नुकसान झेला है। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें पहले ही बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अगर गंगाराम जी के कंबल नहीं पहुंचाएंगे तो उससे भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस एक आखिरी बात, उसके बाद रेहाना उधर कभी नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? खामोश रहो रेहाना, भाईजान से बहस मत करो। एक बार कह दिया ना, बस समझ जाओ। अब तुम लोग ध्यान से देखो कि मैं ये गेंद कैसे बनाता हूं ताकि बाद में तुम लोग खुद इसे बना सको, ठीक है? दो साई, काम ले हाथ में साई।
तो ये बन गई तुम्हारी गेंद। अब ये गेंद किसे चाहिए? साई, ये गेंद मुझे चाहिए। नहीं साई, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं मुझे, 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 मुझे। सब क्या है सेठ जी? नहीं चाहिए तुम्हारे ये कंबल, और ये वो है जो तुमने पहले दिए थे। अच्छी तरह से खोल कर देख लो, इस्तेमाल तक नहीं किए हैं। इन्हें लेकर निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन क्यों सेठ जी, क्यों लेके चले जाओ इन्हें? सेठ जी आप सौदा मत तोड़िए, कोई कमी रह गई है हमारे कारीगरी में तो बताइए, कोई गलती हो गई हमारे काम में? गलती? जाकर पूछो अपने जेठ से क्या गलती की उसने, क्या गलती थी हमारे हिंदू मजदूरों की जो उसने उन सब के सब मजदूरों को काम से निकाल दिया। अगर वो हम हिंदुओं के साथ काम धंधा नहीं करना चाहता तो हम उसके धर्म वालों के साथ में क्यों काम धंधा करें? लेकिन सेठ जी आप ही ने तो कहा था हमें इतने सारे कंबल बनाने के लिए, अब आप इन्हें नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा सेठ जी? ये तो तय रहा कि इसे कोई हिंदू नहीं खरीदेगा। जाओ जाकर बेचो इसे अपने धर्म वालों को। और हाँ, जो रकम मैंने पेशगी दी थी वो मुझे वापस चाहिए। मगर आपके दिए हुए सारे पैसे खर्च हो गए सेठ जी, उन्हीं पैसों से तो मैंने माल खरीदा और कारीगरों को मजदूरी दी है। सेठ जी, हमने ये कंबल बनाने में बहुत मेहनत की है, आप ये सौदा मत तोड़िए, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। जब अपने पे आई तो दिन में तारे नजर आने लगे। जब सुल्तान ने उन हिंदू मजदूरों को निकाला था तब नहीं सोचा था कि उनके परिवार वाले कहां से खाएंगे। मुझको आईना दिखाने से पहले खुद देखो कि कसूरवार कौन है। अब ये कचरा उठाओ यहां से और दफा हो जाओ। सेठ जी मेरी बात तो, सेठ जी क्या तुम्हें ये बात महसूस नहीं होती कि वो तुम्हें वहां नहीं देखना चाहते हैं? अगर उन लोगों को हमसे परेशानी होती तो हमें इतना बड़ा काम नहीं देते। जरा समझाओ इन्हें, हमने पहले ही उन लोगों की वजह से बहुत नुकसान झेला है। भाईजान सही थे, जरा सी बात नहीं हुई कि आंखें दिखाने लगते हैं ये लोग, क्योंकि ये जानते हैं कि हम लोग आबादी में कम हैं, रोजगार के लिए इनकी कौम पर निर्भर करते हैं। भाईजान ने मना किया था, फिर भी मैं आई
और क्या मिला? बेकार ही इन लोगों का पक्ष ले रही थी मैं। क्रिकेट की तरह रंग बदल लेते हैं ये लोग। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अपने लोगों का ही साथ दूंगी। श्रद्धा, सबूरी, सब ठीक हो जाएगा। हरिभाव के बेटे को रियाना क्यों डांट रही है? बोल! चाची, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। आप चाहो तो अली से पूछ लो। आमी। तो चुप कर अली, मैंने अपनी आंखों से देखा इसने मारा है तुझे। वो गलती से लग गया, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुंह बंद कर अपना। रियाना, सिखाओ ना अपने बेटे को कि दूसरे के बच्चे को न मारे। शांत, शांत हो जाओ रेहाना। कैसे शांत हो जाओ साईं? आपने देखा नहीं कैसे इस भीमा ने मेरे अली को गेंद से मारा है? हाँ ठीक है, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं मारा, खेल में लग गया। हाँ अम्मी, साईं सही कह रहे हैं। खामोश हो जा तू। तू इन लोगों को नहीं जानता। इन लोगों को? ओ, किन लोगों की बात कर रही हो तुम हैं? और कैसे लोग हैं हम? बोल, जवाब देना। बोल क्यों नहीं रही अब तू? देखा ना तुमने? हाँ, अरे तुम जैसे लोग ही ना बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं। सही कह रहे हो, धूप पता भी नहीं, हमने तो कभी ऐसे नहीं किया। ये लोग वो लोग, और इन्हें देखो, हमने आज तक इनके बच्चों को यहाँ पर आने से नहीं रोका और ना ही अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए रोका। अरे खेलने से तो इसलिए नहीं रोका ताकि तुम लोगों के बच्चे हमारे बच्चों के सर फोड़ सके, है ना? ए चुप कर, समझी ना, नहीं तो तेरा ये मुंह नोच लूंगी। तू चुप कर। अरे जा जा। अरे आई बड़ी, शांत शांत हो जाइए आप लोग। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग ये आरोप प्रत्यारोप, ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। साई, पहले आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ हैं, हिंदुओं के या मुसलमानों के? आखिर आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म, मेरा धर्म है इंसानियत, और मैंने तो आप लोगों को कभी भी हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं देखा। मैंने आपको देखा अपने भाई अपनी बहन के रूप में, अपने परिवार के रूप में, और आप लोगों ने सिर्फ एक रात में एक दूसरे को धर्म से पहचानना सीख लिया। कैसे बताइए, कैसे?
ना मैं हिंदू की तरफ हूं और ना मुसलमान की तरफ। मैं सिर्फ सही की तरफ हूं और मैं ये बात जानता हूं कि जो भी इन बच्चों के दुख का कारण बने वो सही नहीं हो सकता। आमी, साई सही कह रहे, अब झगड़ा खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूं ना, मुझे चोट नहीं आई है। चाची, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा, पर मैंने जानबूझ के नहीं मारा। भीमा, कोई जरूरत नहीं लोगों से माफी मांगने की, चल यहाँ से। देखा ना साईं, आपने आपकी बात का भी मान नहीं रखा इस ध्रुपदा ने। बच्चे को समझाना तो दूर, ऊपर से और उसे बिगाड़ रही है ये बोल के कि गलती की माफी मत मांगो। कैसे लोग हैं ये, कैसे कोई रह सकता है इनके साथ। आग कहीं और लगी है और धुआं कहीं और से उठ रहा है। वो घड़ी आने को है जब साई देंगे परम ज्ञान। एक है अल्लाह, एक है ईश्वर और एक ही है भगवान, सबका मालिक एक। देखिए मेरे साई का महा एपिसोड इस शनिवार 23 जून रात 7 बजे सिर्फ सोनी पर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।